अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पिरेंट्स। तो पाक अफेयर्स का के टॉपिक्स का मैंने जिक्र किया था पिछली वीडियो में। अब सिलेबस में जो टॉपिक्स हैं उनमें से एक टॉपिक जिसमें स्टूडेंट्स थोड़ा सा कंफ्यूज भी होते हैं कि इसमें एक्चुअली क्या आता है इस टॉपिक की डोमेन में, मैं वो टॉपिक आपके सामने लेके आया हूँ। आपके सिलेबस में जो CSS का पाक अफेयर्स का सिलेबस है लिखा हुआ है पाकिस्तान एंड द रीजन, पाकिस्तान एंड रीजनल ऑपरेटर्स। पहले ये जानना ज़रूरी है कि रीजनल ऑपरेटर्स से मुराद क्या है। तो यहाँ पे मैंने ऊपर लिखा है रीजनल ऑपरेटर्स। RGOs का मतलब है रीजनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस रीजन लेवल पे होती हैं उनके उनमें स्टेट्स जो मेंबर होती हैं और जो स्टेट्स ऑब्जर्वर होती हैं वो गवर्नमेंट्स के थ्रू खुद को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। अब इसमें बात यह है कि SARC शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ECO इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, पाकिस्तान इन तीनों रीजनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस का मेंबर है और इस तरह की रीजनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस रीजनल ऑपरेटर्स कहलाती हैं। इसी तरह से रीजनल अलायंसेस, रीजनल अलायंसेस का मतलब ये है कि अगर किसी एक स्टेट की रीजन की इंपॉर्टेंट स्टेट की कोई डील किसी ग्रेट पावर से हो जाती है या रीजन के तीन चार कंट्रीज मिलके कोई एक अरेंजमेंट बना लेते हैं अपार्ट फ्रॉम रीजनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन तो उसको हम रीजनल अलायंस कहते हैं। अब अगर हम साउथ एशिया की बात करें तो साउथ एशिया में पाकिस्तान और चाइना का जो अलायंस है ये एक स्ट्रेटजिक अलायंस है, स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है जो तकरीबन 6 decades 60 सालों से बल्कि 70 सालों से चली आ रही है। अब इसमें बिल्कुल इसको आप रीजनल अलायंस कह सकते हैं। इसका काउंटर रीजनल अलायंस जो इस वक्त है वो है इंडो US अलायंस और फिर उसमें दोनों अलायंसेस के इंटरेस्ट जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स से मुराद ये है कि रीजन की स्टेट्स का दूसरी स्टेट्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट किसी एक इशू पे किसी एक टेरिटरी पे होना, दैट इज कॉल्ड रीजनल कॉन्फ्लिक्ट। आजकल इस वक्त जो हम रीजनल कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हैं जो बर्निंग चल रहे हैं एक पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कश्मीर पे है। लास्ट ईयर जो इंडिया ने यूनिलैटरली कश्मीर का लीगल स्टेटस चेंज किया और दूसरा है चाइना और इंडिया के दरमियान LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो कि एक डिस्प्यूटेड बॉर्डर है और वहाँ पर लद्दाख डिस्ट्रिक्ट में जो है चाइना और इंडिया की आर्मी की डिफरेंट स्क्रमशेस चल रही हैं, बॉर्डर लेवल पर टॉक्स मिलिट्री टू मिलिट्री अलग चल रही हैं प्लस डिप्लोमेटिक टॉक्स अलग चल रही हैं, लेकिन दिस इज़ अ रीजनल कॉन्फ्लिक्ट इन द मेकिंग। इसका एक एपिसोड हमने लास्ट इसी ईयर जून में देखा और अभी रिसेंटली भी स्क्रमशेस कुछ हुई हैं। अब आते हैं रीजनल इश्यूज के ऊपर। ये रीजनल इश्यूज समटाइम्स इससे कनेक्टेड होते हैं, समटाइम्स कनेक्टेड नहीं भी होते, लेकिन जो रीजनल इश्यूज बर्निंग चल रहे होते हैं या कंटेम्प्रेरी इरा में होते हैं वो रीजनल इश्यूज की पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की रीजनल डायमेंशन में क्या उनका स्पेस है, क्या उनकी प्लेस है और पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी की रीजनल डायमेंशन उन इश्यूज को कैसे एड्रेस कर रही है, ये चीज़ आ जाती है। तो रीजनल इश्यूज जो हमारे पास इस वक्त बर्निंग है वो है अफगान पीस डायलॉग जो चल रहा है, दोहा एकॉर्ड, आपने नाम बिल्कुल सुना होगा। पाकिस्तान इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर एंड एवरीबडी हु लाइक्स पाकिस्तान और हु डिसलाइक्स पाकिस्तान बिलीव्स दैट नो पीस कैन बी अचीव्ड इन अफगानिस्तान विदाउट पाकिस्तान। फिर BRI एंड CPEC, BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये चाइना का मेगा प्रोजेक्ट है जिसका एक इंपॉर्टेंट कॉरिडोर है CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये आउट ऑफ 5 or 6 कॉरिडोर्स ऑफ BRI दिस इज द ओनली बायलैटरल कॉरिडोर ऑफ दैट इज बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान। अगर टेक्निकली स्पीकिंग हम बात करें तो CPEC इज ए कमर्शियल एग्रीमेंट, CPEC इज ए कमर्शियल एग्रीमेंट बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान। अच्छा, अब US प्रेजेंस इन पोर्ट ऑफ ओमान, लास्ट ईयर 2019 मार्च में जो है US ने डील की ओमान की गवर्नमेंट के साथ, उनकी पोर्ट्स लीज पे ली हैं जिसमें पोर्ट ऑफ सलाला एंड पोर्ट ऑफ ओमान US के पास अब लीज पे आ गई। दैट मींस जिस तरह हमने गवादर पोर्ट लीज पे चाइना को दिया है और चाइना की प्रेजेंस वहाँ पे है
फिजिकली, इसी तरह से अब अमेरिकन प्रेजेंस फिजिकली पर्शियन गल्फ में थ्रू ओमान पोर्ट आ गई है, और ये इट हैज ट्रिगर्ड फर्दर द रीजनल पॉलिटिक्स, रीजनल जियोपॉलिटिक्स और एनी पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन बिटवीन द टू सुपर पावर्स, वन इज यूएस एंड द अदर वन इज एमर्जिंग, दैट इज चाइना। इसके बाद इस तरफ हम आए तो इंडो चाइना कॉन्फ्लिक्ट, लद्दाख में आपको बता चुका हूं, फिर चाइना एंड ईरान ने रिसेंटली $400 बिलियन की डील की और चाबहार प्रोजेक्ट से इंडिया जो है माइनस हो गया, तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीजनल इशू है जिसने रीजनल पॉलिटिक्स को बहुत हद तक चेंज कर दिया है। और दोनों ही सुपर पावर्स, एज आई सेड यूएस एंड चाइना, अपना इकोनॉमिक पावर मसल शो कर रही हैं। एक यहाँ पे इकोनॉमिक पावर मसल शो किया यूएस ने अपना ओमान के साथ पोर्ट लीज पे लेके, और यहाँ पे फिर उसके रिएक्शन में चाइना ने अपना इकोनॉमिक पावर मसल शो किया है। अब इसके बाद आ जाता है कश्मीर इशू, वो लास्ट ईयर से एक बर्निंग इशू बन चुका हुआ है। बताने की इसमें बात यह है कि जो ऊपर तीन रीजन लिखे हुए हैं, मिडल ईस्ट, पाकिस्तान के केस में पर्शियन गल्फ भी मिडल ईस्ट में ही आता है, साउथ एशिया और फिर सेंट्रल एशिया, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की जो रीजनल डायमेंशन है टुवर्ड्स दीज रीजन्स, ये आपको स्टडी करनी पड़ती है। और किन इश्यूज के पर्सपेक्टिव में करनी पड़ती है, इन इश्यूज के, तो पाकिस्तान एंड रीजन यहां पे कवर हो जाता है। अब जब बात आती है रीजनल ऑपरेटर्स की, तो मेनली सार्क, एससीओ, ईसीओ, इन तीन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पाकिस्तान का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, यहां पाकिस्तान का इन ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग के अंदर क्या पार्ट, क्या रोल रहा है, इसमें कॉन्फ्लिक्ट्स इन्वॉल्व हैं या नहीं है, ये स्मूथ वर्किंग रिलेशनशिप है या नहीं है, और इसका ओवरऑल पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, ये चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो इन शॉर्ट बात अगर मैं वन लाइन में करूं, तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की रीजनल डायमेंशन जो है वो ज़रूर आपको पढ़ने की ज़रूरत है, और उसको इस तरह पार्ट्स में करके पढ़ना है। मिसाल के तौर पे कि अगर इंडिया और चाइना का कॉन्फ्लिक्ट लद्दाख में एस्केलेट कर जाता है, यानी कशीदगी बढ़ जाती है, मजीद स्क्रमशेस झड़पें होती हैं, तो जाहिर सी बात है एक ख्याल ये पाया जाता है कि इंडिया चाइना के साथ उस तरह से कंपीट नहीं कर सकता, तो वो पाकिस्तान की तरफ एक नया फ्रंट खोल सकते हैं। हमारे फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी जिक्र भी कर चुके हैं कि इंडिया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है, तो इफ दे विल ओपन ए फ्रंट टुवर्ड्स पाकिस्तान, देन दिस इशू विल एंगल्फ द रीजनल पीस एट स्टेक आ जाता है। अभी मैं आप लोगों को ओवरव्यू दे रहा हूं। मिसाल के तौर पे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सऊदी अरब और ईरान के दरमियान पाकिस्तान ने हमेशा, जब भी उनके दरमियान टेंशन राइज हुई हैं, तो मेडिएशन का, एक मुसालियतकार का, एक पीस मेकर का रोल प्ले किया है। तो आपसे सवाल पूछ लिया जाता है कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी टुवर्ड्स मिडिल ईस्ट है, उसको लेट सपोज एनालाइज करें या क्रिटिकली इवेल्युएट करें। तो इसमें ये आपको देखना होगा कि पाकिस्तान के सऊदी अरब के साथ जो रिलेशंस हैं वो क्या हैं, उनकी डायमेंशंस क्या हैं, और पाकिस्तान का ईरान के साथ करंट रिलेशनशिप का डायमेंशन क्या है, और जो पाकिस्तान का अलायंस है विद चाइना, स्पेशली इन परस्पेक्टिव ऑफ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो इसको मद्देनजर रखते हुए हमारी मिडिल ईस्ट पॉलिसी पे क्या इम्पैक्ट आ सकता है। तो ये इसका एक ओवरव्यू है। साउथ एशिया की बात करें तो साउथ एशिया में न्यूक्लियर फैक्टर भी आ सकता है, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, प्लस चाइना भी न्यूक्लियर स्टेट्स है। जब हम कहते हैं ना न्यूक्लियर साउथ एशिया, तो इसमें तीन ही स्टेट्स आती हैं, चाइना, इंडिया और पाकिस्तान। तो न्यू कश्मीर को प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने कहा था न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट, और इसलिए कहा था कि इट कैन ट्रिगर ए वॉर बिटवीन टू आर्क राइवल्स हु आर नाउ न्यूक्लियर पावर्स फ्रॉम लास्ट 20 इयर्स। अब चाबहार प्रोजेक्ट में से इंडिया का निकल जाना और ये $400 बिलियन की जो डील है इसका हो जाना, दैट शोज अस इंडो यूएस अलायंस जो है, चाइना उसको इफेक्टिवली काउंटर करने की कोशिश कर रहा है, और यूएस की पर्सनल प्रेजेंस
जो है ओमान में हमें ये मैसेज दे रही है क्लियर कि पर्शियन गल्फ और पर्शियन गल्फ में ईरान का लोकेटेड होना कितनी अहमियत का हामिल है। प्लस इसमें एक चीज़ और है, वो ऑल्दो रिलेशंस में आ जाती है, अफगान ट्रांजिट ट्रेड। अफगान ट्रांजिट ट्रेड का मतलब ये है कि पाकिस्तान से इंडिया का हमेशा से डिमांड रही है कि पाकिस्तान उन्हें रास्ता दे, राहदारी दे इंडियन गुड्स को अफगानिस्तान एक्सपोर्ट के लिए। तो अभी रिसेंटली इस पे भी कुछ डेवलपमेंट हुई है पॉजिटिवली और उन्हें विद फ्यू कंडीशंस इजाज़त दी गई है। तो ये सारे इश्यूज हैं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले पिछली जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको बयान किया कि पाकिस्तान का करंट अफेयर्स क्या है और पाकिस्तान के रिलेशंस क्या हैं, ये मैटर करते हैं। अब यहाँ पर सुपर पावर्स की म्यूचुअल राइवलरी भी आ रही है, प्लस यहाँ पर पाकिस्तान के रिलेशंस विद यूएस, विद चाइना, विद रशिया, वो भी इम्पोर्टेंस गेन कर रहे हैं अगर हम इस रीजनल सिनेरियो में देखें। प्लस यहाँ पर जो है पाकिस्तान की रिलेशन विद रीजनल पावर्स लाइक टर्की, लाइक ईरान एंड लाइक सऊदी अरब, उनकी भी बहुत ज़्यादा अहमियत नज़र आ रही है। तो अब जो मेरी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसमें मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, लेट्स सपोज कि पाकिस्तान और SCO का जो मेंबरशिप है उससे पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं और अब हमारे लिए चैलेंजेस क्या हैं। और जो क्वेश्चन पहले पाक अफेयर्स के पेपर्स में पाकिस्तान और SCO से मुतल्लिक आ चुके हैं, मैं उनको भी उसमें एड्रेस करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।